नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों की जिन लोगों को एक्वेरियम घर में रखने का बहुत शौक होता है। अक्सर देखा जाता है घर में लोग शो पीस के तौर पर या डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पर एक्वेरियम रखते हैं, और एक्वेरियम रखना साथ साथ अच्छी बात भी है एक तरह से। जब आप मछलियों को लाते हैं घर में तो कहा जाता है मछलियाँ जो होती हैं वो सुख समृद्धि का कारक होती हैं। मगर किस प्रकार एक्वेरियम रखना चाहिए और क्या उनसे लाभ मिल सकता है हमें, इसी विषय पे आज हम इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे। तो यदि आप एक्वेरियम लाते हैं अपने घर पे, तो उसको घर की नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में रखिए, जो कि एक तरह से हम ईशान कोण कहते हैं, जल तत्व का कोण होता है वो। तो इस कोण में रखने से आपको एक्वेरियम लाभ प्राप्त होता है। यदि आप और कहीं रखते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। इसके साथ ही साथ जब भी आप मछलियाँ पालते हैं, कुछ लोग होते हैं मछलियाँ ले आते हैं मगर उनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती, हार्ड फिश हमेशा एक्वेरियम में लानी चाहिए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जब आप एक्वेरियम लेकर आते हैं तो उसमें हरियाली ज़रूर हो, जो प्लांट्स लगे होते हैं छोटे छोटे वो ज़रूर हो। कुछ लोग होते हैं खाली एक्वेरियम में सिर्फ मछलियाँ रखते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप हरियाली के साथ पेड़ पौधे लगा करके मछलियों को रखते हैं तो ये आपके जीवन में, आपके आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी करती है। हरियाली क्योंकि धन का कारक, आर्थिक स्थिति अच्छी होने का कारक, हरा रंग बुद्ध का कारक, बुद्धि का कारक। और इसके साथ साथ जो मछलियाँ होती हैं वो सुख समृद्धि, जो पारिवारिक खुशियां हैं, इन सबका कारक होती है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, गृह कलेश ज़्यादा रहते हैं, तो आप एक्वेरियम रख लीजिए। अब एक्वेरियम में किस तरह की मछलियां रखनी है हमने आपको बताया, हार्ड फिश रखनी चाहिए। अब हार्ड फिश में अलग अलग तरीके की मछलियां आती हैं, मगर गोल्डन रंग की 8 मछलियाँ, गोल्डन कलर में 8 मछलियाँ और एक ब्लैक कलर की यानी काली मछली आप पाल लें। 9 मछलियाँ कुल मिलाकर के 9 रखें, इससे ज़्यादा अधिक आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मगर 9 मछलियों से कम नहीं होनी चाहिए। और गोल्डन यानी सुनहरे रंग से अर्थ हमारा है, जैसे रेड में गोल्डन, येल्लो में गोल्डन, ऑरेंज में गोल्डन, इस तरह की जो गोल्ड फिशेज होती हैं उनको रखें, क्योंकि गोल्डन कलर जो होता है एक तरह से प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, गोल्ड धन का, लक्ष्मी का, जितनी भी ये खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, इनका कारक होता है, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस का कारक होता है। यही सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन फिशेस अपने एक्वेरियम में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ फेंगशुई में भी इनको बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इसलिए कहा जाता है फेंगशुई और वास्तु के अनुसार भी इनको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना बेहद ही शुभ रहता है। इसके साथ साथ यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो आप जिस जगह व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस जगह पे भी आप छोटा एक्वेरियम रख सकते हैं, आपके लिए वहाँ भी सुख समृद्धि का कारक बनेंगी ये मछलियाँ। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।